जहरीले शराब से हो रही मौत के बाद पटना पुलिस शराबबंदी कानून को सख्ती से पालन कराने में जुट गई है। ताजा मामला है पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाके का, जहां से पुलिस ने 6 शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आलमगंज इलाके के डोमखाना समेत अन्य जगहों से भारी मात्रा में देशी शराब और रुपए के साथ 4 शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया है। वही गया घाट पुल से मारुति कार में छिपाकर अंग्रेजी शराब की डिलीवरी देने जा रहे 2 शराब कारोबारी को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रही है। इस धंधे में शामिल अन्य लोगों की जानकारी में जुटा रही है। शराब के विरुद्ध छापेमारी किया गया था, तो ये लगभग 3 जगहों से 350 लीटर शराब बरामद की हुई है। ये डोमखाना से लगभग 185 लीटर और 43,130 रुपया लगभग बरामद हुआ है। वहीं अंग्रेजी शराब है सर, उसमें गाड़ी भी बरामद थी, लोगों को कहाँ से गिरफ्तार किया गया? हाँ, अंग्रेजी शराब बरामद हुई है ये गायघाट पुल के ऊपर पया नंबर 46 के पास। उसमें एक गाड़ी है, 4-व्हीलर गाड़ी है, एक वैगन आर, और उसमें अंग्रेजी शराब 121 लीटर लगभग अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। टोटल कितनी गिरफ्तारी है सर? टोटल गिरफ्तारी 6 गिरफ्तारी, टोटल 6 गिरफ्तारी है अंग्रेजी शराब में। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।